बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट का एक पेपर, और ये टेस्ट 12 दिसंबर 2021 को लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों मुझे जो पेपर मिला है ये डिम है, इसके बहुत सारे MCQs जो है इसको अगर मैं जूम करता जाऊँ तो ये नज़र नहीं आ रही है। तो इसी टेस्ट की तमाम सवाल हमने यहाँ पर लिखे है। पाकिस्तान स्टडी के पोर्शन में दोस्तों हमारे पास सवाल नंबर एक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनुल्ड एन, तकसीम बंगाल ये 1911 को मनसूख हुई। और व्यूअर्स, बंगाल की तकसीम 1905 को हुई थी। और दूसरा सवाल है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनुल्ड एन, यानी तकसीम बंगाल कौन सी महीने में हुई थी? दिसंबर। तो करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज था। तीसरा सवाल है कि रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय शेरशाह सूरी, रोहतास किला शेरशाह सूरी ने बनाया था। चौथा क्वेश्चन है, कलीपेट डेलीगेशन विजिटेड विच प्राइम मिनिस्टर? लाली जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर फाइव है, टीपू सुल्तान वाज मर्टर्ड इन विच ईयर? 1799 को टीपू सुल्तान शहीद हुई थी। छठा क्वेश्चन है, बांग्लादेश इमर्ज एज अ न्यू कंट्री इन? दिसंबर 1971। सातवां क्वेश्चन है, मिलिट्री कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश थ्रू विच अमेंडमेंट? 21st अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर एट है, विच एग्रीमेंट वाज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन 2015? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 2015 में CPEC का एग्रीमेंट हुआ था। सवाल नंबर नाइन है, हु इज द पायनियर ऑफ दिल्ली सुल्तनत? नन ऑफ दिस, कुतुबुद्दीन ऐबकती। सवाल नंबर 10 है, टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब में टोटल डिस्ट्रिक्ट 36 है। पेपर में करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट सेनेट वाज क्रिएटेड? 1973। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड? व्यूअर्स, 5 सितंबर। यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 5 सितंबर नहीं, असल में डिफेंस डे जो है 6 सितंबर को मनाया जाता है। करंट अफेयर के पोर्शन में सवालात थी। सवाल नंबर 13 है कि वो इज़ द करंट मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर? सैयद अली हैदर जैदी। सवाल नंबर 14 है, वो इज़ द करंट हेड ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट? क़िबला अयाज है। सवाल नंबर 15 है, कलामा हारिस एंड जो बाइडन टुक ओथ ऑन 20 जनवरी 2021? सवाल नंबर 16 है, पाकिस्तान नीड हाउ मेनी वोट टू गेट आउट ऑफ ग्रे लिस्ट? 12। सवाल नंबर 17 है, वो इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान का मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी है। सवाल नंबर 18 है कि व्हाट इज़ पर कैपिटा शुगर कंजम्पशन इन पाकिस्तान? 25 किलोग्राम है। सवाल नंबर 19 है, अली सतपारा वाज अ माउंटेनर? सवाल नंबर 21 है, यूरोपीय यूनियन हैज़ हाउ मेनी ईयर्स? 27। सवाल नंबर 22 है, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान? 60% है दोस्तों, आगे बढ़ती है। सवाल नंबर 23 है, पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन द आइडियलिज्म ऑफ थियोलॉजी? सवाल नंबर 24 है, विच कंट्री हैज साइन 25-year डिफेंस पैक्ट विद चाइना फॉर 25 years? ईरान। हमारे पास यहाँ पर स्टेट्स का ये दूसरा पेज भी है, ये भी काफ़ी डिम है, तो इन सवालात को भी हमने यहाँ पर लिखा है। जनरल नॉलेज वाली पोर्शन में हमारे पास सवाल नंबर 25 है कि मुईन अख्तर वाज, मुईन अख्तर एक कॉमेडियन थी, हिस्ट्री इज़? तो ये क्वेश्चन हमारे पास मिसिंग है थोड़ा सा। सवाल नंबर 27 है कि प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, कैपिलरी रिएक्शन? और सवाल नंबर 28 है, टावर ब्रिज इज़ लोकेटेड इन लंदन? टावर ब्रिज लंदन में वाकया है। सवाल नंबर 29 है, इसराइल ऑक्यूपाइड ईस्टर्न गज़ा इन 1967? इसराइल ने ईस्टर्न गज़ा पर कब्ज़ा 1967 को किया था। सवाल नंबर 30 है कि स्टोनहेंज इज़ लोकेटेड इन इंग्लैंड में वाकया है। सवाल नंबर 31 है, रद्दुल फसाद मीन्स, रद्दुल फसाद का माना था? तो करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज था, और इसका माना फसाद का खात्मा करना था। सवाल नंबर 32 है कि बुक डॉटर ऑफ ईस्ट हैज़ बीन रिटन बाय बेनज़ीर भुट्टो ने यह किताब लिखी थी?
सवाल नंबर 33 इसी तरह का है कि चांगा मांगा पॉलिटिक्स मीन्स, चांगा मांगा पॉलिटिक्स का मतलब है हॉर्स ट्रेडिंग। सवाल नंबर 34 है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनान, लेबनान का दारुल खिलाफा बीरूत है। सवाल नंबर 35 है विच सिटी इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग हब, लाहौर को कहा जाता है। सवाल नंबर 36 है कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन की। सवाल नंबर 37 है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ तुर्की, तुर्की की करेंसी लीरा है। सवाल नंबर 38 देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना, चाइना की करेंसी युआन है। सवाल नंबर 39 है कि चांगा मांगा पॉलिटिक्स मीन्स हॉर्स ट्रेडिंग, यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सवाल नंबर 40 है कि पेप जून एज ऑब्जर्व एज इन्वायरमेंट डे। एवरीडे साइंस पोर्शन में हमारे पास सवाल नंबर 41 है सनलाइट रीच अर्थ इन अबाउट 8 मिनट्स। सवाल नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज था। सवाल नंबर 43 है कि स्टडी ऑफ स्टार इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। सवाल नंबर 44 है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्कल। सवाल नंबर 45 है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर विल इंक्रीजेस। सवाल नंबर 46 है कि मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज था, मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेयरमेंट। सवाल नंबर 47 है कि विच एसिड इज यूज्ड इन बैटरीज, बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 48 है स्मोकर मोस्टली सफर फ्रॉम आस्मा। सवाल नंबर 49 है कि विच प्लेनेट हैज आइस केप पीक्स प्लेटो। सवाल नंबर 50 जो था हमारे पास बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था इंग्लिश पार्ट में दोस्तों। सवाल नंबर 51 है कि ही प्रिसाइडेड ओवर द सेशन, यहाँ पर ओवर लगेगा। सवाल नंबर 52 है सिनोनिम ऑफ पेरल, वाइल्ड इसका सिनोनिम है। सवाल नंबर 53 है सिनोनिम ऑफ ग्लॉस, शाइन इसका सिनोनिम है। सवाल नंबर 54 है कि एंटोनिम ऑफ रेत, सोलेस है इसका सिनोनिम। सवाल नंबर 55 है कि एंटोनिम ऑफ सेक्रिलीजियस, इसका एंटोनिम पायस है। सवाल नंबर 56 है टू ईट अ केक एंड हैव इट टू मीन्स, तो करेक्ट ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज था, तो इसका मतलब है कि टू हैव इंजॉय द गुड पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का गुड पार्ट इंजॉय करना। सवाल नंबर 57 है शिफ्ट आई मीन्स डिसाइटफुल। सवाल नंबर 58 है पाइप ड्रीम मीन्स इम्प्रैक्टिकेबल विश। सवाल नंबर 59 है ऑड्स एंड एंड्स मीन्स रेमनेंट्स। सवाल नंबर 60 है नूसेंस मीन्स, नूसेंस का मतलब है तकलीफ देह या जरर रसा की। सवाल नंबर 61 है वन वो डज अनयूजुअल थिंग एज एसेंट्रिक, उसको कहा जाता है। सवाल नंबर 62 है कि ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फॉर लास्ट 4 मंथ, यहाँ पर पार लगेगा। सवाल नंबर 63 है कि हिज फादर इज सो पुअर, तो करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज था, दैट ही कुडंट परचेज सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पेपर।